हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अचीवर्स एडु कॉर्नर। तो जैसा कि आप लोगों को टॉपिक दिया गया था कि आज आपका स्टोन एज से टेस्ट होने वाला है, ठीक है? तो आई यू रेडी फॉर दिस? एंड वन मोर थिंग, कि एज आई हैव सीन कि मोर देन 100 पीपल हैव सीन और गिवन द टेस्ट, व्हाट आई कैन से, लेकिन उसमें से मुश्किल से 5 से 6 लोग हैं जिन्होंने कमेंट में अपने मार्क्स बताए। आई डोंट नो व्हाई यू डोंट वांट टू रिवील योर मार्क्स गाइस, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एज पर डैट वी कैन प्लान समथिंग फॉर यू कि आगे हम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन फिर भी चलो, ये तो आपके विश के हिसाब से है कि आप डालना चाहते हो या नहीं, बट डैट विल बी माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि जो भी आपके मार्क्स आते हैं प्लीज़ कमेंट इन कमेंट सेक्शन, ओके? सो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक पुरापाषाणकालीन स्थल वेलन घाटी किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान, ठीक है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। वन मोर थिंग, कि आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देने जा रही हूँ, और इसका रीजन ये है कि मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो फैक्ट बेस्ड हैं, ठीक है? तो आई डोंट थिंक कि दीज क्वेश्चंस आर नीडिंग सो मच एक्सप्लेनेशन, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है, दैट इज पालतू कुत्ते को मानव शव के साथ दफनाने की प्रथा कहाँ प्रचलित थी? आपके ऑप्शंस हैं बुर्जहोम, चिरांद, मेहरगढ़ एंड महदहा। तो आपका राइट आंसर है दैट इज बुर्जहोम, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज पूर्व पाषाणकालीन स्थल पहलगांव कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, कश्मीर एंड कर्नाटक। तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज राजस्थान, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्त आवास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज गर्त आवास? गर्त आवास क्या है? तो इसको पीट ड्वेलिंग भी बोला जाता है, ठीक है? इसमें क्या होता है ना कि जमीन को होल करके, मतलब जमीन में गड्ढा बना के उसके अंदर लोग रहते थे, उसके ऊपर से लिप्स एंड ब्रांचेस से उसको ढक लिया करते थे, तो डैट वॉज पीट ड्वेलिंग, या फिर उसको गर्त आवास बोलते हैं, ठीक है? तो आपके ऑप्शन है गुफरकल, बुर्जहोम, पहलगांव और चिरान। तो आपका जो राइट आंसर है डेट इज बुर्जहोम। और एक और बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चंस में अभी तक में पूछा जा चुका है, तो आप लोग देख लीजिए इसको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम हाथी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? एंड आपके ऑप्शंस जो है वो है महदहा, हथनौड़ा, चेचर एंड लहुड़ा देव। तो आपका जो राइट आंसर है डेट इज हथनौड़ा, नेम से भी जैसा कि आप लोगों को पता चल रहा होगा, और ये एमपी में है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषणों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? और आपके ऑप्शंस हैं दमदमा, महदहा, पिकलीहल एंड संगर कल्लू। तो आपका जो राइट आंसर है डेट इज ऑप्शन बी, महदहा। और एक और बात, ये जो महदहा है ये मध्य पाषाण काल से जुड़ा हुआ स्थल है, यानी कि मेसोलिथिक एज से जुड़ा हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? आपके ऑप्शन है महदहा, मेहरगढ़, लहुड़ा देव एंड इनाम गांव। वन मोर थिंग, यहाँ पे आप मेहरगढ़ और लहुड़ा देव में कंफ्यूज हो गए, ठीक है? तो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ जब तक लहुड़ा देव का की खुदाई नहीं हुई थी, वहाँ से जो मिले हैं एविडेंसेस वो नहीं मिले थे, तब तक माना जाता था कि मेहरगढ़ जो है वहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, लेकिन लहुड़ा देव में जब खुदाई में एविडेंसेस मिले तो अब लहुड़ा देव इज द राइट आंसर। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य लहुड़ा देव से मिला है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रारंभिक होमोसेपियंस मानव का उदय कब हुआ था? तो आपके ऑप्शन है निम्न पुरापाषाणकाल, मध्य पुरापाषाणकाल, उच्च पुरापाषाणकाल और मध्य पाषाणकाल। तो आपका जो राइट आंसर है डेट इज उच्च पुरापाषाणकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान से राख का ढेर नहीं मिला है? अगेन आई लाइक टू रीड द क्वेश्चन, डेट इज राख का ढेर नहीं मिला है, ओके? एंड आपके ऑप्शन है पिकलीहल, संगन कल्लू, महदहा एंड इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इनमें से कोई नहीं को तो हम लोग छोड़ ही देते हैं, एंड देन पिकलीहल एंड संगन कल्लू, ये तो ऐसे जगह हैं कर्नाटक में जहाँ से कि राख का ढेर मिला है। तो एक महदहा एक ऐसा जगह है जहाँ से राख का ढेर इनमें से नहीं मिला है, ओके? तो द राइट आंसर इज महदहा, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? आपके ऑप्शंस हैं नर्मदा घाटी, सिंधु घाटी, गंगा का मैदानी भाग और सोहन घाटी। तो द राइट आंसर इज नर्मदा घाटी, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पाषाणकालीन क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? अगेन यू सी दिस क्वेश्चन, पाषाणकालीन क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है, ओके?
आपके ऑप्शंस हैं बागोड, नवदा टोली, आदमगढ़ और होशंगाबाद, ठीक है। तो नवदा टोली, आदमगढ़ और होशंगाबाद ये तीन ऐसे प्लेसेस हैं जो कि मध्य प्रदेश एमपी में है। बागोड़ एक ऐसा जगह है जो कि एमपी में नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, चिरांग बिहार में कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है वैशाली, सारण, मुंगेर और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है सारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बनास संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं है? बनास संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं है, ओके। आपके ऑप्शन है बालाथल, गिलुंद, आहार और इनामगांव। तो बालाथल, गिलुंद और आहार जो थे वो बनास संस्कृति के ही जगह हैं, स्थल हैं, साइट्स हैं, और इनामगांव एक ऐसा जगह है जो कि बनास संस्कृति में नहीं आता है, बनास संस्कृति की साइट में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पुरापाषाण काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो निम्न इसके ऑप्शंस पहले मैं बोल देती हूँ, सोहन संस्कृति, फलक संस्कृति, बनास संस्कृति और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है डेट इज सोहन संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पुरापाषाण काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शंस है फलक संस्कृति, बनास संस्कृति, आहार या आहार संस्कृति और सोहन संस्कृति। तो आपका जो राइट आंसर है डेट इज फलक संस्कृति, और ये उस टाइम में जो टूल्स यूज होते थे उसके वजह से ये नाम पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में है? आपके ऑप्शन है सोहन घाटी, गुफाकल, मिर्जापुर और कोल्डी हवा। सॉरी, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, डेट वुड बी कोल्डी हवा, लेकिन यहाँ पे गोल्डी हवा टाइप हो चुका है, हो गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सोहन घाटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम मध्य पाषाण कालीन स्थल की जानकारी किसने दी थी? तो आपके ऑप्शन है रॉबर्ट ब्रूसफुट, सी एल कार्लाइल, विलियम जोन्स और सर जॉन शॉ। तो आपका जो राइट आंसर है डेट इज सी एल कार्लाइल। उन्होंने ही सबसे पहला जो मध्य पाषाण कालीन जो साइट था फर्स्ट उसको ढूंढा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र अवशेष कहाँ से मिले हैं? और आपके ऑप्शन है अजंता, बाघ की गुफाएं, नवदा टोली एंड भीम बेट का। तो द राइट आंसर इज भीम बेट का। भीम बेट का जो है वो एमपी में रायसेनगंज एक जगह है, वहां पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं जेम्स प्रिंसेप, अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स एंड चार्ल्स मैशन। तो इसका जो राइट आंसर है, आई थिंक यू आर नोइंग दिस बिकॉज ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और मोस्टली एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्यान्नों के उत्पादन का साक्ष्य किस काल से मिलना प्रारंभ होता है? यहाँ पे एक चीज जो ध्यान देने वाली है वो है खाद्यान्न का उत्पादन, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इसका जो राइट आंसर है डेट इज नवपाषाण काल, ठीक है। तो ये आपका आज का टेस्ट था, एंड अगेन द सेम रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज आप अपने मार्क्स को कमेंट में बताइएगा। एंड नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है कल के टेस्ट के लिए वो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन होगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन या सैंधव सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। तो प्लीज़ आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एंड वन मोर रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप लोग अगर टेस्ट को इंजॉय कर रहे होंगे तो आप प्लीज़ बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आप लोग को अगर किसी और हेल्प की ज़रूरत है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है।